हाथ क्यों रहा भाई? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने बहुत दिन बाद ब्लॉग नहीं बना पाया मैं, तो आज मैं सोच रहा था मैं आप लोग के लिए मैं ब्लॉग बनाऊंगा। प्लीज मेरा वीडियो पे आखिरी तक बना रहिए, क्यों मैं आज ब्लॉग बनाऊंगा जंगल बिगल पे। अभी है ना, चलना है मानो गा में तैयार ना लगेगा। आप जा रहे कहाँ? तो दोस्तों, खेत पे जाने से पहले तो मैं यहाँ पे आया हूँ पान खाने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी गांव आता हूँ मैं तो पान बहुत खाता हूँ मैं, तो एक्चुअली मैं इसमें पान खाने के लिए आया हूँ मैं। ये भी है, देखो आप ये भी, ये बहन पान काट रहा है, पान पनीर नहीं पूरा शर्मा रहा है। बच्चे बच्चे लोग भी है, ये लोग भी जाएंगे कह रहे हैं झाड़ू उठाने के लिए। हाथ क्यों रहा भाई? और ये लोग महिला है, ये लोग अभी रुका हुआ है, कुछ देर बाद ये लोग भी निकलेंगे जंगल पे ये झाड़ू उठाने के लिए। चलो बच्चों, चलो बच्चों, या ना बच्चों। दोस्तों हम निकल रहे हैं अभी गांव से, अभी जंगल पे जाऊंगा अभी झाड़ू निकालने के लिए। आज मौसम थोड़ा ही ठीक है और धूप भी निकल रही है अभी। सुबह पे पता है दोस्तों ये बहुत ठंड लग रहा था मुझे, क्योंकि सुबह पे पूरा फोग था, बादल था, तो अभी थोड़ा गर्मी लग रहा है। अभी उस जंगल में पहुंच गया हूँ अभी, तो आप इसमें देख पा रहे हो वो है मेरा गांव, जहाँ टीन दिखाई दे रहा है, टीना दिखाई दे रहा है उसमें, तो वो है हमारा गांव। दोस्तों मैं पहुंचने वाला हूँ अभी अपना खेत पे। तो दोस्तों देखो, मुझे बुला रहे हैं, टून से बुला रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे दो नाम की तरह होता है यहाँ पे। एक तो जैसे हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह में कागज वगैरह में लिखते हैं वो एक नाम है, और दूसरा नाम है जो हम लोग विशेष से बुलाते हैं, हम लोग जन्म से माँ रख देते हैं नाम। तो हम लोग जब भी गांव पे, या गांव पे हो या जंगल भी हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले हम लोग विसल से पुकारते हैं। इसके बाद फिर अगर कोई सुनते नहीं है, अगर वो जो व्यक्ति जो उसमें बुलाते हैं उसको सुनते नहीं, फिर डायरेक्ट नाम पुकारते हैं हम लोग। उसने भी रिप्लाई दिया मुझे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है मेरा खेत हो गया ये, तो हम इसमें आज दिन भर पूरा इसमें झाड़ू निकलाएंगे इसमें। तो ये देखे पूरा जो लाल लाल है, इसमें जो झाड़ू है पूरा निकला हुआ है इसको। हेलो भाई, हम निकल रहे झाड़ू, अभी निकलने के मौसम आ गया है झाड़ू। तो हम ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये पूरा झाड़ू की खेत है इसमें। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे झाड़ू निकालने के लिए। अभी उसको नीचे करूंगा, उसको पहले इस तरह से निकालेंगे अभी पहले, फिर उसको निकालूंगा, पहले अभी निकालूंगा उसको। देखिए झाड़ू इस बार लंबा लंबा झाड़ू है यार इसमें, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते उसको, पहले उसको नीचे इस तरह से निकालना पड़ता है। नीचे निकाल दिया है अभी, अभी खाएंगे हम लोग। और ये भात हो गया है, और ये उसमें खीरा भी डाल दिया इसने, खीरा है, उसमें चना लिखाया है, और ये बोतल के पानी है ये, और ये भी खा रहा है खाना आराम से। खाना भी ना खा के थोड़ा शक्ति भी मिल रहा है काम करने के लिए। आज कंप्लीट कर दिया है ये झाड़ू निकालने के लिए, तो अभी उसको ठीक करूंगा उसको, क्योंकि उल्टा फूटा हो गया, इधर उधर रख दिया है मैंने, तो उसको भी ठीक करूंगा उस पहले, बट फिर मैं गांव चला जाऊंगा बाद में। तो अभी बांध लूंगा उसको अभी ये बेम्बू से, ये बेम्बू छोटा कर दिया है उसको, छोटा पीस कर दिया उसको। अभी उसको बांध लूंगा, इस तरह से बांध लूंगा, ये एक बार हो गया, फिर दो बार करूंगा ऐसे करके बांध के, इस तरह से बांधता है उसको ये, फिर उसको घुमाना पड़े, इसे घुमा के इस तरह करके
फिर उसको टालना पड़ेगा, उसको टाल के फिर उसको फिर दूसरा वाला घुमा के और फिर अंदर में घुसाना पड़ेगा। अब देखिए बांध दिया इसको, देखिए अब इसको रख दूंगा। आओ सो दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगा, पसंद लगा मेरे वीडियो को, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रहे और खुश रहे। बस इतना तक ही आज के लिए। तो धन्यवाद।